नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। डीएसडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। पूर्णिया में बागी आरजेडी नेता की हत्या के बाद राजनीतिक गर्मा गई है। जी हां, उनके परिवार वालों ने तेज प्रताप और तेजस्वी यादव पर एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया है। मामला पूरी तरह से अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है और साफ तौर पर इससे पहले शक्ति मलिक ने लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र यानी कि तेजस्वी यादव पर चुनाव में टिकट देने के नाम से पैसे लेने की बात कही थी। जी हां, एक वीडियो जारी कर शक्ति मलिक ने यह कहा था कि तेजस्वी यादव मुझे टिकट दिलाने के नाम से 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद ही इस वीडियो जारी होने के बाद उस नेता की यानी आरजेडी के बागी नेता की हत्या कर दी गई। परिवार जनों में पूरी तरह से दुख का माहौल है और आज उसी को लेकर के वो फॉरेंसिक टीम जो है वो पहुंची है पूर्णिया उनके घर पर और जांच और पड़ताल किया जा रहा है। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी यहाँ पर जिस तरह से अब राजनीतिक मोड़ एक तरह से वो पूरा मैटर और ये हत्या को ले लिया गया है, ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार में इस वक्त चुनाव है, तेजस्वी यादव के साथ लगातार महागठबंधन के तमाम नेता उनको छोड़ते जा रहे हैं, ऐसे में क्या एक बार शक्ति मलिक मर्डर केस से फिर से तेजस्वी पर राजनीतिक प्रहार या फिर राजनीतिक जो कैरियर है उस पर असर पड़ सकता है या नहीं। देखिए वीडियो किस तरह से फोरेंसिक की जांच टीम पहुंची उनके घर पर और जांच पड़ताल इस वक्त चल रही है। आपका ड्राइवर जो कह रहा है कि अंदर छलांग लगाया, ये छलांग लगाया, चप्पल कहाँ से आया सर? वो चप्पल नहीं, ये किसने कहा कि इसमें घुस के रुपया कहीं खाया, आराम किया? इसके चक्कर हम लोग का लाइव सब छूट जाता है। बोलता घुसता है, अंदर घुसता है, इसमें सब चप्पल कैसे आया, खैरी सब का दाग कैसे आया? देखिए तीन वो चप्पल भी है, खोल कर देखिए, इसमें दाग पूरा है, देखिए कादो सब का चप्पल है सर, देखिए इसमें मैंने जी प्लास्टिक प्लास्टिक भी है, तीनों खाली पैर भागा है सर, देखिए वहाँ पिछला भी है कादो में। आप भी दे देते हैं परफेक्ट। हाँ वही साथ है। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लेंथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।